हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे साइबेरियन हस्की के बारे में। साइबेरियन हस्की के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसका इंडिया में प्राइस कितना है और इसको पालने में खर्चा कितना आ जाता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, कि इसको पहचाना कैसे जाए, और बहुत सारी जानकारी हम इसमें कवर करने वाले हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साइबेरियन हस्की का ओरिजिन रशिया के बर्फीले इलाके साइबेरिया से हुआ है और इसका उपयोग साइबेरिया के चुग्गी लोग जो हैं इसका उपयोग स्लेज खींचने के लिए करते थे। और स्लेज एक बर्फ में सामान ढोने वाली या आदमी को यहाँ से वहाँ ले जाने वाली एक गाड़ी होती थी। साइबेरियन हस्की के हाइट और वेट की बात करते हैं तो साइबेरियन हस्की का जो हाइट होती है वो 60 से 70 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी वेट जो होता है वो 16 से 27 केजी के बीच होता है। साइबेरियन हस्की की जो दौड़ने की क्षमता होती है वो बहुत तेज़ होती है। यह एक समय में 50 से 60 किलोमीटर तक भाग सकती है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं या आपके पास इनको घुमाने के लिए टाइम नहीं है तो आप इसको बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये लंबी दूरी तक घूमना पसंद करते हैं। इनको लंबी दूरी तक घुमाना पड़ता है। आपके पास कितना बड़ा बैकयार्ड हो या कितना बड़ा आंगन हो आपके घर के आगे, फिर भी आपको इसको लंबी दूरी तक घुमाना पड़ेगा। साइबेरियन हस्की फर्स्ट टाइम ओनर के लिए अच्छी डॉग नहीं है। यह फ्रेंडली ज़रूर है लेकिन इसे ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह वुल्फ की सबसे नज़दीकी ब्रीड बताई जाती है और इसे एक अच्छे लीडर की आवश्यकता होती है। अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाए तो आप जैसा इसको चाहते हैं ये वैसा नहीं हो पाएगा। साइबेरियन हस्की जो है ठंडी जगह पे पाले जा सकते हैं। यह इंडिया के जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड, सिक्किम जैसे राज्यों पे इनको आसानी से पाला जा सकता है और इनको गर्म जगह जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी जगहों पे इसको पालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी रहती है और ये गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं। अगर इसको पालना चाहते हैं तो आपको इसे एसी पे रखना पड़ेगा गर्मी के दिनों में। अब इसकी कीमत की बात करते हैं तो साइबेरियन हस्की जो है एक महंगे डॉग ब्रीड की लिस्ट में आते हैं, और अगर आप इसे किसी नॉर्मल पेट शॉप से खरीदते हैं तो इसका प्राइस 40,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच रहता है, और अगर आप इसे किसी ब्रीडर से खरीदते हैं तो इसकी कीमत 80,000 रुपये से 1,00,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है। और यह डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी किस प्रकार की है और उसके आइस कलर क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। साइबेरियन हस्की दिखने में बहुत सुंदर और क्यूट लगता है और अपने अलग अलग आइस कलर के लिए बहुत फेमस है, और यह डॉग की जो लाइफ है वो 12 से 14 साल तक होती है। साइबेरियन हस्की का मंथली एक्सपेंसेस कितना है, यह महीने में कितने का खाना खा लेती है, तो यह जो है एक महीने में 20 केजी तक का खाना खा लेती है। और अगर इस हिसाब से अगर हिसाब लगाते हैं तो एक महीने में अगर इसे स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो इसका खर्चा 5,000 रुपये से 6,000 रुपये के बीच रहता है, और अगर इसे आप प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो इसका खर्चा 8,000 रुपये से 9,000 रुपये के बीच रहता है। साइबेरियन हस्की की पहचान कैसे की जाए, अब इसे पहचाना कैसे जाए, तो सबसे पहले हम इसके कलर कोड की बात करते हैं। तो इसमें जो है तीन कलर कोड पाए जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड सिल्वर, ब्लैक एंड सिल्वर एंड वाइट, ये तीन कलर कोड में ये पाया जाता है। अगर साइबेरियन हस्की के सर पे जो त्रिशूल की मार्किंग होती है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही उसके नीले आइज के कारण भी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इसके आँखें अलग अलग कलर की हैं, दोनों आँखें अलग अलग कलर की हैं, तब भी इसकी कीमत हाई होती है। और इनकी दूसरी पहचान यह है कि इनके कान हमेशा ऊपर को खड़े रहते हैं और वो तिकोने टाइप के रहते हैं, और इनके पूंछ जो है ऊपर को पीछे को मुड़ी होती है, और ये सीधी इनकी पूंछ तभी होती है जब ये किसी को देखते हैं, अनजान आदमी को, या ये खेलते हैं उस टाइम इनकी पूंछ सीधी होती है, नहीं तो इनकी पूंछ हमेशा ऊपर को मुड़ी होती है। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें और कमेंट पर अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही अगर आपको हमारे आने वाली और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।